इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। सांसद नकुलनाथ का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सांसद नकुलनाथ की अगवानी की। हवाई पट्टी पर सांसद नकुलनाथ से पत्रकारों ने सवाल किया कि जिले के सब्जी उत्पादक किसान परेशान है, टमाटर उत्पादक किसान परेशान है, अपनी उपज को खेतों में ही फेंक रहा है। प्रत्युत्तर में सांसद नकुलनाथ ने कहा कि यह केवल छिंदवाड़ा ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसानों की व्यथा है। किसान पहले खाद, बीज और बिजली के लिए परेशान होता है, किसी तरह से वह अपनी कृषि भूमि पर उपज लाता है तो बाजार में उचित मूल्य प्राप्त नहीं होते हैं। किसान आज लागत भी नहीं निकाल पा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाषणों में सालों से किसानों की आय दुगनी करने में जुटे हैं, किंतु किसानों की आय की जगह लागत दुगनी हो गई है और किसान आज भी अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है। किसानों की स्थिति आज क्या है, यह किसी से छिपी नहीं है। सांसद नकुलनाथ ने आगे कहा कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की जो उपज बर्बाद हुई है, प्रशासन उसका सर्वे भी नहीं करा रही है। किसानों को मुआवजा दिए जाने के साथ ही समय पर फसलों के बीमा राशि भी जारी करने की मांग भी संसद में रखूंगा। बिछुआ ब्लॉक का के दौरे पे जा रहा हूँ, वहाँ से खबर मिली है कि अतिवृष्टि के कारण सारे फसल बर्बाद हो गए और प्रशासन तो सर्वे तक नहीं करा रही। मुआवजा तो दूर की बात है, सर्वे तो कराए तो आज मैं जाके वहां मुआवजा भी करूंगा और फिर इन संसद में ये मांग भी रखूंगा कि मुआवजा मिले और बीमा सही टाइम पे हमारे किसानों को मिले। सांसद नकुलनाथ ने आज बिछुआ क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर उन्होंने ग्राम झामटा, पाना थावड़ी, ग्राम सामरबोह, कुराई, तुमड़ागढ़ी सहित अन्य ग्रामों में रोड शो के माध्यम से क्षेत्र की जनता से भेंट की तथा उनकी समस्याओं को सुना और गंभीरता से जाना। सांसद नकुलनाथ के साथ रोड शो में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी सहित अन्य कांग्रेस के अधिकारी, पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। यहाँ आज किसान का क्या हाल है ये सब आप जानते हैं। टमाटर 1 रुपए किलो बिक रहा है, अतिवृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हो गई है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ आपके क्षेत्र में सर्वे कराने को तैयार नहीं है। मुआवजा तो दूर की बात है, तो मैं आज आपके गांव इस मंच से भारतीय जनता पार्टी को अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में किसानों के खेतों की फसलों की सर्वे तुरंत कराई जाए और उनको मुआवजा जल्दी से जल्दी मिले। बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं करने और बिजली कनेक्शन काटने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों और लाइनमैन के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना चांदा मेटा क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर 61,000 रुपए का बकाया होने पर जब बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी कबाड़ियों की दुकान में बिजली काटने पहुंचे तो वहां पर उनके साथ मारपीट हुई। बिजली विभाग की शिकायत पर चंदा मेटा पुलिस ने आरोपी सोहेल खान और आवेश खान के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिजली कनेक्शन भी कटवाया है। पिछले दिनों गुलाबरा में आकाश शर्मा नामक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में युवक के परिजनों ने कोतवाली में पदस्थ पुलिसकर्मी उत्तम राजपूत और राजकुमार पर आकाश को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा उससे रिश्वत की डिमांड करने के आरोप लगाए हैं। परिजन इस संबंध में आज कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे, जिन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई। मृतक आकाश शर्मा के पिता महेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके बेटे को कोतवाली के पुलिसकर्मी उत्तम राजपूत और राजकुमार दोनों लगातार कई दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे।
इसके द्वारा धनराज गंगवानी के अकाउंट में 10,000 रुपए रिश्वत भी ली गई थी। उक्त पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मेरे भाई को अक्टूबर मंथ से कोई गुलाबरा में कोई विवाद हुआ था, मुझे नहीं पता उसके बारे में। उस विवाद में मेरे भाई को झूठे एक्ट में फंसा रहे हैं, एसटीएससी एक्ट में। उस बिहाफ में हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक जो भी रहते हैं, 3 पुलिसकर्मी आधी सी 3:30 बजे रात को विदाउट परमिशन गेट खोल के, हमारा जो पर्सनल प्राइवेसी वाला गेट खोल के वो ऊपर आते हैं, फिर अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हैं और मेरे भाई के बारे में पूछते हैं और विदाउट अरेस्ट वारंट वो आते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर वहाँ पे मेरे भाई को सुबह मॉर्निंग में बुला के मेरे पापा जब मेरे भाई के बारे में बताने जाते तो उन्हें विदाउट परमिशन को बैठा लेते, अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते, जो कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। ये थाना कोतवाली का था, इसमें CSP ऑफिस का भी नाम डला और वहाँ TI साहब के नाम से पैसे लेना, बहुत सारी चीज़ें हुई कि CSP ऑफिस में भी आपको पैसे देने हैं, TI साहब को देने हैं, अंदर देना होगा, बहुत सारी चीज़ें, अंदर का तो मैं नहीं जानती। और मेरे पापा अभी तक गाड़ी थाने में ही खड़ी हुई है, और मेरे पापा जब मेरे मतलब उस जानकारी देने गए कि केस कहाँ तक चला, तो मेरे पापा को बोलने लगे ये आ गया अपने मरे हुए बेटे के बारे में जानने के लिए, ये हमारी रिपोर्ट करेगा। बहुत अब्यूजिंग वर्ड चल रहे हैं पुलिस में। थाना गया, TI साहब ने बिल्कुल बैठ जाओ क्या, वहाँ का कोई कमल राजपूत है, उसने मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया कि ये आगे आके देखो उसके बाप का उसका लड़का मर गया, इसकी पुलिस वाले कंप्लेंट करने आ रहा है, ऐसा अवैध व्यवहार। एडिशनल SP साहब भी बैठे थे, TI साहब खुद बैठे थे, उनके सामने ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ। अब बताए गाली गुप्ता कि ये आगे आके इसके इसका लड़का खत्म हुआ, पुलिस की कंप्लेंट करने आया गया। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ बैडमिंटन हॉल में किया गया। अटल खेल महाकुंभ में बैडमिंटन संघ की ओर से लगभग 180 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को विशेष रूप से आज संघ द्वारा सम्मानित किया गया। आज कुल 38 मैच खेले गए, जिसमें मुख्य मुकाबला परासिया, जुन्नारदेव, पांडुना व छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों के मध्य हुआ। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन, निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। सिवनी प्राण मोती में रहने वाले 27 परिवारों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इन परिवारों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा लोनिया करबल में उनके पक्के मकानों को सरकारी जमीन में बताकर तोड़ दिया गया था, जिसके बाद जब यह परिवार सिवनी प्राण मोती में रहने पहुंचा तो यहां पर उन्हें प्रशासन पट्टा उपलब्ध नहीं करा रही है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन परिवारों को नहीं मिल रहा है। 47 में पहले रहते थे, वहाँ से हमको तोड़ दिया हमारा घर मकान, अच्छा वाला पक्का बना हुआ, बोले ये सरकारी में नहीं आता था। और अब सिवनी प्राण मोती में दे तो दिए हैं, पर ना 2.5 लाख का हो रहा है, ना पट्टे का हो रहा है, कोई चीज़ का काम नहीं हो रहा है। हम यहाँ से 1 साल हो गए हैं आके परेशान हो रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। राज्य शासन के जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है। कलेक्टर शीतला पटले ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 210 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए।
मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और साइबर सेल पुलिस के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर एडिशनल SP संजीव सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। नियोक्ता क्या होता है, जैसे हम पुलिस कर्मचारी अधिकारी जो है वो गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं और PHQ से हम यहाँ पे पोस्टेड है। उसी तरह से यदि मेडिकल का कोई व्यक्ति है, पीड़ित है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट, शिक्षा से कोई है तो शिक्षा विभाग, और अगर मजदूर व्यक्ति है तो उसमें कोई निर्धारित नियोक्ता नहीं होता है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अस्पताल परिसर में धरना देकर मिट्टी खाकर अपना विरोध जताया गया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें नियमित नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। 13वां दिन हड़ताल के हो गए हैं। आज हम लोगों ने मिट्टी खाकर हमारा जो परिवार चल रहा है उसको हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने हम लोगों को कोरोना में हमारे ऊपर फूल बरसाया, हमको प्रमाण पत्र दिए, हमको कोरोना योद्धा माना, लेकिन हमारा जो घर परिवार है वो 6,000 रुपये में नहीं चलता है साहब। 6,000 रुपये हमारे सपोर्ट स्टाफ को देते हैं, NMNO को 12,000 रुपये देते हैं। इतनी महंगाई के समय में इतना कम वेतन में हमारा परिवार नहीं चलता है। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नागरिक मंच के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। हमारा जो पहला आज का कालखंड था वो अध्यात्म के ऊपर था। सभी लोगों ने अध्यात्म के ऊपर चर्चा करी और अध्यात्म के ऊपर अपने अपने शब्दों से बताया कि आध्यात्मिक, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक मंच में जिस उम्र के लोग आ रहे हैं तो उसमें आध्यात्मिक पर बहुत ही सार्थक विचार रखे गए और उनकी चर्चा की गई। अब इसके बाद जो हमारी बैठक कर रहे हैं, ये आगामी जो जनवरी माह आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है, नए वर्ष में वरिष्ठ नागरिक महामंच की क्या कार्य योजना रहेगी, हमारे वरिष्ठ नागरिक महामंच आगामी वर्षों में क्या कार्यक्रम करेंगे, उसकी आज रूपरेखा तैयार की जा रही है। सांसद नकुलनाथ बुधवार को छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र को अनेकों सौगात देंगे। स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के समीप निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नकुलनाथ विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 2 बजे स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के पास नकुलनाथ 25 लाख की लागत से सुलभ शौचालय से लेकर जेल गेट तक BT रोड निर्माण के भूमि पूजन के साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्योर ब्लॉक तथा स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत 25 लाख की लागत से विभिन्न रंग रोगन कार्यों के अलावा अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इसी क्रम में आज निगम अध्यक्ष सोनू मांगो कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी की मंशा के अनुसार छिंदवाड़ा की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात आदरणीय नकुलनाथ जी देने जा रहे हैं। लगभग 2.25 करोड़ के काम जो है, सैंक्शन काम जो नगर निगम से हुए हैं, उनके भूमि पूजन कल यहाँ बस स्टैंड में होने जा रहे हैं। और मैं छिंदवाड़ा की जनता से जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ बस स्टैंड में उपस्थित हों।